नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल मेडिकल नॉलेज पर। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों में अपने छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें, नवजात शिशुओं की देखरेख, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में छोटे बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। सर्दियों में छोटे बच्चों को निमोनिया, खांसी, जुकाम, ये ज़्यादातर बीमारी होती है। तो इन सब बातों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जैसे दोस्तों सर्दियों में छोटे बच्चों को कपड़ों से हम पूरा तो ढक देते हैं, पूरे बदन को अच्छे से ढक देते हैं, लेकिन पैर और सर जो खुला रहता है वो दोस्तों बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि नवजात बच्चों के पैर और सर को ढकना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों में जो सर्दी होती है वो पैर और सर से बहुत ज़्यादा लगती है। नवजात शिशु को पूरे कपड़े ढककर रखना चाहिए, सर पे कैप लगा के, बच्चों को ऊनी कपड़े पहना के, नीचे पैरों को सॉक्स या मोजे से, गर्म मोजे से ढककर पूरा अच्छी तरह से रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जैसे नवजात शिशु को जितना आराम मिले, अगर नवजात शिशु जितना सोता है, जितना आराम करता है, वो उसके लिए उतना फ़ायदा रहता है। नंबर तीन दोस्तों, नवजात शिशु को माँ का दूध जरूर देना चाहिए। 6 महीने तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में दोस्तों बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे बच्चा तंदुरुस्त रहता है और रोगों से लड़ सकता है। और दोस्तों बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी है, बच्चों की मालिश से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे अधिक ग्रोथ करते हैं, तो बच्चों की मालिश अवश्य करें। अगला है दोस्तों, बच्चों को सुबह की धूप जरूर दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को सर्दी लग जाएगी तो उनको पूरा कपड़ा पहना के अंदर ही रखे हुए हैं, टेम्परेचर डाउन है उसमें रखे हुए हैं। अगर खुली धूप है, अच्छी धूप है, तो सुबह की धूप बच्चों को दोस्तों जरूर दिखानी चाहिए। धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और दोस्तों बच्चों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सर्दियों में रोज़ नहला तो सकते नहीं है, तो साफ़ कपड़े से बच्चों को गर्म पानी करें, उसमें साफ़ कपड़े से भिगो के अच्छे से निचोड़ कर पूरे शरीर को बच्चे को साफ़ करें, जिससे बच्चों में कोई दिक्कत ना रहे, साफ़ सफाई अच्छे से होती रहे, और साफ़ होने के बाद बच्चों को दूसरे साफ कपड़े उनको आप पहना दें। अगली चीज़ दोस्तों, बच्चों को बाहर ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। आजकल तो वैसे भी कोविड का मौसम चल रहा है, कोविड की लहर चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो बच्चों को और बड़े बूढ़ों को घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अंदर रूम में रहते हैं, माँ के पास रहते हैं, गोदी में रहते हैं, तो उनका टेम्परेचर अलग होता है। बाहर जाएंगे, बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, घर का टेम्परेचर अलग होता है, तो जितना संभव हो सके बच्चों को बाहर ना ले जाएं, घर में ही बच्चों को रखें। ऐसे ही मेडिकल और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।